To all the dignitaries that is present in our auditorium, Hafizul Hasan ji, the cabinet minister, youth affairs, government of Jharkhand, Srimati Puspa Pawalka, vice chairman, Jharkhand State Bal Kalyan Parishad, Dr. Rana Chakrabarti, director HEC, UP SA, GMBSNL, Upkar Kedia sir, chief vigilance commissioner, Mekong, Amar Kumar Chaudhary sir, registrar, Jharkhand University of Technology, and Pramod sir, the program coordinator from JUT. On 14th of this month, we started our event named Jharkhand Yuva Sadar, the Youth Assembly 3.0. जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं उन्हें ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि हम लोग तीन दिनों में हम लोगों ने क्या किया। ये इवेंट हम लोग पिछले 3 महीने से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। ये झारखंड का अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है युवा सदन। बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि युवा सदन आखिर है क्या। युवा सदन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये झारखंड का पहला थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च पे काम करता है। और ये ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। दो मेन ऑब्जेक्टिव के कारण हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। पहला ऑब्जेक्टिव है यूथ एम्पावरमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव है लीगल अवेयरनेस पे काम करना। मुझे लगा कि ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो हम वकील कर सकते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 वकील हैं और हम लोग तीनों ने एक सहमत से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हम लोगों ने प्रण लिया कि आने वाले झारखंड को अगर बदलना है तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हमें बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। पहला है यूथ एम्पावरमेंट। अब यूथ एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत दिन से मंथन किया, फिर हमें लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाना चाहिए जहाँ पे हम झारखंड के क्रीम रिफाइंड यूथ को एकजुट कर सकें और वहां से हम लोग ये जर्नी स्टार्ट करें। तो 2020 में हम लोगों ने झारखंड युवा सदन द यूथ असेंबली 1.0 ये कार्यक्रम का हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ये एडिशन 2020 में फेब के मंथ में ऑड्रे हाउस में हुई थी। तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, पहला एडिशन ऑड्रे हाउस में हम लोगों ने किया था। बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा था। हम लोग बहुत सारे गेस्ट को नहीं बुला पाए थे लेकिन बहुत सारे लोग आए थे उसमें भी। सेकेंड एडिशन हमारा बहुत मेगा इवेंट रहा और ये तीसरे एडिशन में मैंने सोच लिया था कि अब हमें झारखंड के जितने भी डिग्निटरीज हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हमारे पास PSUs हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम लोग को बताना है कि हम लोग झारखंड के लिए क्या काम करना चाहते हैं, हमारा विजन क्या है। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर हम सारे यूथ को एकजुट कर सकें और जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके साथ में एक इंटरेक्शन का सब लोगों को मौका मिले कि कैसे लेजिस्लेचर चलती है। ये बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों ने एक अलग से मेथोडोलॉजी तैयार किया जो आप 3 दिनों में आप लोग देखें। तो 14 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोगों ने स्टार्ट किया था झारखंड युवा सदन द यूथ असेंबली 3.0 के नाम से। और इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक बिल पेश किया था जो बिल हमारे द्वारा ड्राफ्ट था। उस बिल का नाम था झारखंड स्टार्टअप प्रमोशनल बिल 2022। माननीय राज्यपाल गवर्नर सर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उनके द्वारा ये हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ था 14 तारीख को। और उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुई बिल की और बिल के बाद सदन में चर्चा स्टार्ट हुई जो अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग उसमें हिस्सा लिए। तो पूरे झारखंड से हम लोगों ने 81 विधानसभा से ऐसे ही रैंडमली नहीं, पूरे 81 विधानसभा से 2 राउंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस से हम लोगों ने ये क्राउड को बाहर निकाला है। पहला एप्लीकेशन प्रोसेस था रिटन राउंड और दूसरा था वीडियो राउंड। तो देयर आर 2 राउंड्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस और उसके द्वारा हम लोगों ने ये 145 कैंडिडेट्स पूरे झारखंड से निकाला और ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पर झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी बिल पर 3 दिनों तक इन्होंने चर्चा किया। ये लोग सीखे आर्टिकल 168 से 212 का प्रोसीजर कि कैसे बिल पास होता है, बिल कैसे एक्ट बनता है, कैसे अमेंडमेंट होती है, कैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है। ये कोई लेक्चर सेशन नहीं था, इन लोगों ने प्रैक्टिकली सारा काम किया। तो ये 3 दिन का वर्कशॉप आज या 3 दिन का सेमिनार आप बोलिए, 3 दिन का MUI बोलिए या 3 दिन का युवा सांसद बोलिए, आप जो भी बोलिए, हम लोग का इवेंट का नाम है झारखंड युवा सदन। ये इवेंट हमारा फ्लैगशिप इवेंट है युवा सदन ऑर्गेनाइजेशन का। ये आज का समापन समारोह है और समापन समारोह में हम लोगों ने आप सब लोगों को बुलाया है और मैं
आई बिलीव कि ये हमारा जो प्रोग्राम था, हमने अपने साइड से बहुत प्रयास किया, हम लोग जितने लोगों तक पहुंचा सकते थे हम लोग सब लोगों तक ये पहुंचाने में कामयाब रहे। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिग्निटरीज दैट यू हैव कम हियर कि हम लोगों को और प्रचार प्रसार में ये जो हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें हमें जरूर बहुत से बहुत मदद मिलेगी। और हमारे बीच हफीजुल हसन सर हैं, मैं पिछले महीने भी उनको इन्वाइट करने के लिए गया था बिकॉज ये यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है। यूथ अफेयर मिनिस्ट्री से हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि नहीं आप लोग को जो भी मदद होगा हम आपके साथ में हैं। तो सर को हम चाहेंगे कि अगले जो हम लोग चौथा एडिशन करेंगे तो इस बार सर पहली बार आए, चौथा एडिशन में सर का हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और जितने भी डिग्निटरीज और जितने भी पीएसयूज हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज, जितने भी हम लोगों ने 3 दिनों में बहुत सारे डिफरेंट गेस्ट को बुलाए, सब लोग हमारे साथ मिलजुल कर काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। हमारे युवा इस